फाइनल प्लस में आपका स्वागत है। मैं अमन ठाकुर, आपका रीजनिंग क्लासेस के लिए। आइए आज ब्लड रिलेशनशिप और कोडेड रिलेशनशिप की बात करते हैं। हर टॉपिक का अपना वेटेज है, एसएससी एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो क्लासेज में कहा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, जो बैंक, एसएससी, रेलवे, सीसैट सभी एग्जाम्स में आते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली बैंकिंग में आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पेशली एसएससी में आते हैं। इसके लिए भी अलग से एक क्लिप छोटा सा आपको बना करके मैं दे दूंगा, जिसमें सभी कंटेंट्स के बारे में पता होगा आपको कि कौन से कंटेंट्स किस एग्जाम्स में आए। अभी फिलहाल ब्लड रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं कि ब्लड रिलेशनशिप और कोडेड रिलेशनशिप, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप यदि बैंकिंग की बात करें तो वहाँ चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो फिक्स है बैंक पीओ में आते हैं। बैंक पीओ के एग्जाम्स में प्री एग्जाम में तीन, मेंस में भी आते हैं। तो इस तरह से एसएससी में भी एक या दो क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन आ गए तो आपके चार। रेलवे में भी आएंगे, आप यदि कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, डिफेंस का ये सब एग्जाम्स देते हैं तो पांच पांच क्वेश्चंस के सेट आपके पास आते हैं वहां। और यहाँ बच्चे फ्रीक्वेंटली काफी गलती भी करते हैं। बच्चे यहाँ पे ब्लड रिलेशन में गलती भी करते हैं, तो वो गलती दोहराना नहीं है। इसके लिए हम छोटी छोटी बातों पे नजर रखेंगे, हर उन चीजों को बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करेंगे जहां गलतियां होती है। यदि ये क्लियर हो गया तो फिर कोई क्वेश्चंस, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, हर तरह के, हर टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड रिलेशन और कोडेड रिलेशनशिप क्या है। जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग तीन जनरेशन को जीते हैं, एक खुद का जनरेशन जीते हैं, एक अपने फादर का जनरेशन जीते हैं और एक ग्रैंडफादर का जनरेशन जीते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है गांधी जी के बारे में तो आप बता देते हैं गांधी जी के बारे में, लेकिन यदि दादाजी के दादाजी का नाम पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग तीन जनरेशन को मोस्टली जीते हैं और जितने जनरेशन को जीते हैं वो नाम याद रहता है। कभी कभार क्या होता है कि हम फोर्थ जनरेशन को भी जीते हैं। अब दादाजी के पोते हुए और पोते के भी बच्चे हो गए, दादाजी के जो मालिक पोते हैं, ग्रैंडसन है, उसके भी बच्चे हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंडसन। क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैंडसन। इसी तरह से जो ग्रैंड डॉटर है उसके यदि डॉटर हो गए तो उसको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और थोड़ी सी बात ब्लड रिलेशन में ये ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम में भी हम सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन इंग्लिश मीडियम नेम याद रखना। जैसे फोर्थ जनरेशन में ग्रैंड फादर के जो फादर होंगे वो क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। अब ग्रेट वर्ड का यूज रहेगा, हिंदी में भी ग्रेट वर्ड का यूज रहेगा, यानी कि ग्रेट ग्रैंड सन है तो उसका हिंदी में महान पोता ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं आने वाला है। तो ग्रेट वर्ड का यूज रहेगा हिंदी में भी और ग्रेट वर्ड का यूज रहेगा इंग्लिश में भी। तो ये छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान रखना है कि हम मोस्टली जो तीन जनरेशन को जीते हैं इसमें सबसे पहले जो रिलेशनशिप है हमारा, रिलेशनशिप में हम किसको क्या कहते हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें यदि तनिक भी आपको संदेह होगा तो फिर क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, आप ऑप्शन आंसर तक पहुंचने में टाइम लगा देंगे, वो नहीं लगाना है। इसलिए हर रिलेशंस को थोड़ा सा हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे क्या हमारा रिलेशंस होता है हम उसके बारे में जानेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आइए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हम मदर्स और फादर्स सन जब ये बोलते हैं, माँ का बेटा तो माइसेल्फ की बात हो रही है। यदि मैं बोल रहा हूं या फिर आप बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है माँ का बेटा, तो माँ का बेटा कौन होगा? भाई। मदर्स सन क्या होगा? भाई, ब्रदर। या फादर्स सन तो ब्रदर। इसी तरह से मदर्स डॉटर सिस्टर, मदर्स डॉटर सिस्टर बहन, फादर्स डॉटर सिस्टर बहन, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर या फादर्स ब्रदर,
मदर्स ब्रदर बोलेंगे या फादर्स ब्रदर बोलेंगे, अंकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। मदर्स सिस्टर या फादर्स सिस्टर, माँ की बहन या पिता की बहन, तो वो क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। मदर्स सिस्टर और फादर्स सिस्टर क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ, सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। ये बेसिक बातें हैं जो सब जानते हैं, फिर भी हम उसको एक बार कह रहे हैं कि ये सब चीजें पता होना चाहिए। हस्बैंड सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ग्रैंड सन्स डॉटर, तो क्या है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, मतलब फोर्थ जनरेशन में जैसे ही जाएंगे तो कौन सा वर्ड बतलाए थे, ग्रेट वर्ड। ग्रैंड डाउटर्स डाउटर, ग्रेट ग्रैंड डाउटर, तो ग्रेट वर्ड का यूज करेंगे। इसी तरह से ब्रदर्स, सन, नेफ्यू। अब यही सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हम बोलते हैं नेफ्यू, सिस्टर्स सन, हिंदी में यदि देखें सिस्टर सन तो भांजा, ब्रदर्स सन भतीजा, तो ये भांजा भतीजा दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया गया नेफ्यू, और हिंदी मीडियम में भी ऐसे करके लिखा रहेगा ऑप्शन। अब यदि आपको पता नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम दे रहे हैं, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम दे रहे हैं, वो हमें ऐसे लिख देगा। यदि आपको नहीं पता है छोटे मोटे एग्जाम्स में हिंदी मीडियम में ऐसे लिख देगा, तो नेफ्यू पता ही नहीं है क्या होता है नेफ्यू, तो फिर आप आंसर ला करके भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ इसमें से तो ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, जिसमें से ये एक है, क्योंकि जनरली तो पता है। अब फादर के फादर, ग्रैंड फादर, ये याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन है, इसको आप जीते हैं, बहुत जीते हैं, तो ऐसे ही याद है, ग्रैंड फादर दादा, हिंदी इंग्लिश दोनों याद है। ग्रैंड मदर्स मदर पता है आपको, ये सब बेसिक बातें पता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। ब्रदर्स सन या सिस्टर्स सन क्या होगा, नेफ्यू हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी तरह से ब्रदर्स डाउटर या सिस्टर्स डाउटर, नीस हो गया, अब इसका भतीजी भी हो गया और भगनी भी या भांजी भी होगी, भतीजी भगनी भांजी जो भी आप कहें, सबके लिए नीस वर्ड का, नीस वर्ड का यूज हिंदी मीडियम में ऐसे लिख देगा, ये ऐसे लिख देगा, नीस ऐसे लिख देगा ऑप्शन में। आपको पता होना चाहिए कि नीस का मतलब ब्रदर्स डाउटर होता है या सिस्टर्स डाउटर होता है। ये सब थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से विशेष रूप से आग्रह है कि ये सब चीज थोड़ा सा बेसिक बातें आपके लिए रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही रहता है, हिंदी मीडियम को थोड़ा सा ये ध्यान देना है। यदि आपको पता है तो आप ऑप्शन के टाइम में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अंकल और आंट, जब आप अंकल बोलते हैं, जब आप अंकल बोलते हैं तो अंकल को देखिए, अंकल को क्लियर कीजिए पहले कि अंकल में कौन कौन आ जाएंगे। मामा भी आ जाएंगे यानी कि मदर के जो ब्रदर है वो भी आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे यानी कि फादर के जो ब्रदर है वो भी आ जाएंगे, है ना, और फादर के जो सिस्टर के हस्बैंड है, फादर के जो सिस्टर के हस्बैंड है वो भी अंकल में आ जाएंगे। मदर के जो सिस्टर के हस्बैंड है जिसे आप मौसा कहते हैं, मौसी के जो हस्बैंड है तो मौसा कहते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है अंकल। इसी तरह से आंट में, इसी तरह से आंट में, तो अंकल्स सर, पहले अंकल क्लियर हो गया, आंट क्लियर हो गया, तो अंकल और आंट क्लियर हो गया, तो उनका जो सन और डॉटर, या तो बेटा या बेटी दोनों की बात हो रही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि या तो अंकल और आंट ये क्लियर हो गया, किसको अंकल कहेंगे आंट कहेंगे, आंट में मौसी आ गई, पापा की बहन भी आ गई, नहीं चाचा की पत्नी आ गई, पापा के भाई की पत्नी आ गई, इसी तरह से मदर के ब्रदर की पत्नी आ गई, तो ये सब आंट में आ गई, नहीं तो अंकल आंट क्लियर है, तो उनके सन या डॉक्टर, सन या डॉक्टर कोई भी, क्या कहेंगे कजन, क्या कहेंगे कजन। अब एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा कजन, आप क्या करेंगे, हिंदी में ऐसे लिख करके दे देगा ऑप्शन में कजन, आपको पता होना चाहिए कजन का मतलब। यदि मान लीजिए ऑप्शन आया जेंडर क्लियर वहां पे नहीं है, वहां पे है कि अंकल का बेटा या बेटी, क्वेश्चन सॉल्व किए और आंसर है अंकल का बेटा या बेटी, और ऐसा ऑप्शन नहीं डाला, ऑप्शन में एक ही बार डाल दिया कजन, कजन का मतलब ही होता है अंकल का बेटा या बेटी। अब अंकल कौन कौन है ये आपका क्लियर हो चुका है, आंट कौन कौन है ये आपका क्लियर हो चुका है, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। तो ये सब कुछ बेसिक जो बातें हैं
ये आपका 100% क्लियर होना चाहिए। ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में वक्त जब मैं बताऊंगा, हर तरीका बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से एक तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और गलती के चांसेस खत्म करेंगे। दूसरी बात, जो लेवल हम पढ़ेंगे वो जीरो से लेकर के एक पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप कोई भी एग्जाम देंगे सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनेंगे। इसीलिए थोड़ा बारीकी से कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग। आइए अब बात करते हैं कि कैसे हम ट्रीज बनाएंगे, कैसे हम ट्रीज में जाएंगे। तो कुछ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे यदि है हमारे पास ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए इज द, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। तो भाई कौन है? ए है। मेल के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, मेल के लिए हम प्लस का यूज करेंगे और फीमेल के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। क्या कहा मैंने फिर से एक बार, मेल के लिए हम प्लस का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। यहां जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए क्या हो गया? प्लस। अब बी पता नहीं, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, हो सकती है। इस स्टेटमेंट से बस हमें ये क्लियर हो रहा है कि ए बी का भाई है, तो ए प्लस हो गया, जेंडर क्लियर हो जाएगा। फिर से बहुत अच्छा लाइन, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं बीच में बोल दूंगा, उसको हमेशा याद रखिएगा। जेंडर क्लियर हो गया, तनिक भी देरी नहीं लगाएंगे जेंडर डाल देंगे। जेंडर क्लियर नहीं है, धोखे से भी उस पर नहीं डालेंगे। ब्लड रिलेशन में एक और इंपॉर्टेंट लाइन, ब्लड रिलेशन में कभी भी कोई भी क्वेश्चंस बने तो नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता, नाम से जेंडर क्लियर कभी नहीं होता। क्वेश्चंस के टाइम में जब हम लोग जाएंगे तो वहां भी हम ये बात पे चर्च करेंगे, देखेंगे। अभी तो फिलहाल पहले डायग्राम सीख ले। तो ये डायग्राम जो हम बनाते हैं, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड रिलेशनशिप में जो डायग्राम बनता है, इसमें दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक होता है हमारा पैरेलल रिलेशन, एक क्या होता है हमारा पैरेलल रिलेशनशिप, और एक होता है जनरेशन गैप। तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं इसको पैरेलल रिलेशनशिप। पैरेलल रिलेशनशिप किसको कहेंगे? बराबरी का संबंध। किसको कहेंगे? बराबरी का संबंध। जैसे भाई बहन का संबंध क्या है? बराबरी का संबंध है, एक दूसरे के बराबर बराबर में रहेगा हमेशा। आप देखते भी होंगे डेली के लाइफ में, भाई भाई से कहता है बराबर बराबर हिसाब कर लो, नहीं तो भाई बहन का संबंध कैसा है? बराबरी का संबंध है। हस्बैंड वाइफ का संबंध कैसा है? पैरेलल, नहीं बराबरी। हस्बैंड वाइफ का भी संबंध बराबरी है, पैरेलल रिलेशनशिप है। तो पैरेलल रिलेशनशिप को हम ऐसे बिठाएंगे, पैरेलल रिलेशनशिप को हम ऐसे बिठाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्लास में बने रहिए, सब काम क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये पैरेलल रिलेशनशिप में है, ए भाई है तो ए पे प्लस कर दिए, बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो बी को छोड़ दिए और दोनों को पैरेलल बिठा दिए और भाई बहन के बीच में सिंगल लाइन दे दिए। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो ए क्या हो गया? माइनस। इस स्टेटमेंट से हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हो गया? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए हो गया माइनस, सिंगल लाइन, और बी, बी पता नहीं वो भाई है या बहन, क्लियर नहीं। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। इस स्टेटमेंट से बस इतना पता चल रहा है कि ए सिस्टर है, तो ए पे क्या कर दिए? माइनस, और बी पे जेंडर नहीं किए, दोनों को पैरेलल लाइन, भाई बहन के बीच सिंगल लाइन, भाई बहन के बीच सिंगल लाइन। इसी तरह से ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए हस्बैंड है तो बी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पति है तो दूसरा क्या है? पत्नी है। ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, स्टेटमेंट से ही क्लियर होगा, हो गया कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए यदि हस्बैंड है तो ऑब्वियसली बी पत्नी है, तो ए प्लस हो गया तो बी माइनस हो गया। पैरेलल रिलेशनशिप है, दोनों को बराबर में बिठाएंगे और हस्बैंड वाइफ के बीच डबल लाइन का यूज करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच डबल लाइन का यूज करेंगे। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है,
ए बी की पत्नी है, तो ए क्या हो गया माइनस हो गया और बी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए क्या हो गया माइनस हो गया और बी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी की पत्नी है तो ए माइनस हो गया और बी ऑब्वियसली पति हो जाएगा, दो हस्बैंड वाइफ के बीच डबल लाइन। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा पैरेलल रिलेशन है, ये हमेशा बराबरी में बैठेगा। मेल के लिए प्लस का यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे, भाई बहन में सिंगल लाइन यूज करेंगे और हस्बैंड वाइफ में डबल लाइन यूज करेंगे, याद रहेगा। चलिए याद रखने के लिए छोटा सा क्लू और दे देता हूं। देखिए भाई बहन का जो रिलेशनशिप होता है, अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस याद रखने के लिए कुछ क्लू जोड़ देता हूं मैं हमेशा किसी न किसी चीज से, जिससे कि वो याद रहे। भाई बहन का जो रिलेशन है वो एक पे भी डिपेंड करता है, यदि बहन बहुत अच्छी है तो भी रिलेशनशिप कायम रहेगा, यस और नो। यदि भाई बहुत अच्छा है बहन अच्छी नहीं है तो भी रिलेशनशिप मेंटेन होगा, यस और नो। लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, हस्बैंड बहुत अच्छा है वाइफ अच्छी नहीं है तो भी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा, यदि वाइफ बहुत अच्छी है हस्बैंड अच्छा नहीं है तो भी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा। तो इसीलिए आप इस क्लू को याद रखें कि भाई बहन में सिंगल एक धागे से भी काम चलेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ में दोनों धागे चाहिए, डबल लाइन चाहिए, सिंगल लाइन से काम नहीं चलेगा। तो याद रखेंगे हस्बैंड वाइफ में सिंगल लाइन, सॉरी डबल लाइन, और भाई बहन में सिंगल लाइन। मेल के लिए प्लस का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। ये हमारा पैरेलल रिलेशनशिप का डायग्राम। अब हम जनरेशन गैप के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, ए बी का पिता है, ए पिता है तो ए क्या हो जाएगा प्लस, कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। ए इज द फादर ऑफ बी, जैसे ही ए पिता है तो ए क्या हो गया प्लस हो गया, मेल के लिए प्लस यूज करेंगे। और बी, बी का पता नहीं है मुझे वो बेटा है या बेटी है, जेंडर क्लियर नहीं है तो हम उस पर नहीं डालें। और मदर फादर को हमेशा ऊपर रखेंगे और बच्चे को नीचे रखेंगे। मदर फादर को हमेशा, जनरेशन गैप है ये कैसा रिलेशनशिप है, जनरेशन गैप, तो मदर फादर हमेशा ऊपर बच्चे नीचे। यदि हमारा ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द, ए क्या हो गया माइनस क्योंकि एक मदर है तो माइनस कर दिया। बी का पता नहीं, बी बेटा है या बेटी, जेंडर क्लियर नहीं है तो हम इस पर जेंडर नहीं है। ए इज द, इसी का कन्वर्जन ऑफ बी, ए सन है तो ए नीचे आ जाएगा प्लस हो गया। और बी कहां चला ऊपर चला जाएगा, बी कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्यों ए सन है तो बी या तो माता होगा या पिता। मदर फादर हमेशा ऊपर, याद रखिएगा मदर फादर हमेशा ऊपर बच्चे नीचे। फिर से एक बार, मदर फादर हमेशा ऊपर बच्चे नीचे। जितना अच्छा से बेसिक कॉन्सेप्ट रखिएगा मेरे भाई, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को उतनी आसानी से धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। लेकिन आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो शानदार रहना चाहिए। फिर से एक बार, मदर फादर ऊपर बच्चे नीचे, हमेशा इतना दिमाग में रखेंगे। ए इज द सन ऑफ बी तो ए सन है नीचे हो गया प्लस, बी ऊपर, बी पता नहीं माता है या पिता है, जेंडर क्लियर नहीं। इसी तरह से ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है, ए क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी तो ए डॉटर है तो ए क्या हो गया माइनस। और बी कहां चला जाएगा ऊपर, बी कहां चला जाएगा ऊपर, ए डॉटर है ये हो गया माइनस और बी ऊपर, बी पता नहीं मदर है या फादर है। याद रखने के लिए ये हमेशा याद रखिएगा, मदर फादर हमेशा ऊपर बच्चे नीचे। और याद रखने के लिए क्लू में याद रख सकते हैं आप कि बाप बाप होता है, क्या याद रख सकते हैं, आप एनपीओ बन जाओ, आप एसएससी का कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाओ, सब जगह सम्मान मान सम्मान आपको मिलता रहे, लेकिन जब आप अपने फादर के पास जाओगे तो वहां पे आपको नीचे ही रहना है। हमेशा याद रखिएगा बाप बाप होता है, मदर फादर बच्चे नीचे।
तो ये था हमारा एक जनरेशन का, ये फिर देख लीजिए। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए ग्रैंडफादर है, ए दादा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका एक जनरेशन यहां आएगा, इसका बच्चा। अब जब इसके बच्चे के बच्चे होंगे तभी वो दादा बनेगा, और किसका दादा है, बी का दादा है, तो बी इसमें आ जाएगा। ये क्लियर नहीं है, होता है या होती। इस स्टेटमेंट से बस इतना क्लियर है कि ए बी का दादा है, हिंदी में हमारे लिख लीजिए ए बी का दादा है, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो ये क्या होगा प्लस, और बी नीचे आ जाएगा। बी पता नहीं, क्लियर नहीं है कि ये ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, पोता है या पोती है, इसलिए इसको जेंडर नहीं डालेंगे। इसी तरह से ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए ग्रैंड मदर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर इसका एक जनरेशन यहां होगा, इसके बच्चे, जब इसके बच्चे के बच्चे होंगे तभी वो ग्रैंड मदर बनेगी, दादी बनेगी, किसकी दादी है, बी की, तो बी यहां पे आ जाए। क्लियर है, इसी का कन्वर्जन, ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, ए ग्रैंड सन है, तो ए नीचे आ जाएगा प्लस। अब इसके मदर फादर, इसके ऊपर, मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे, तो ए हो गया ये, ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, तो ये हो गया ग्रैंड सन, ए प्लस हो गया नीचे, इसके मदर फादर ऊपर, और इसके जो मदर फादर होंगे तभी वो ग्रैंड सन बनेगा। किसका ग्रैंड सन है, बी का, किसका है, बी का। अब बी का जेंडर पता नहीं, वो दादा है या दादी, ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, तो नहीं डालेंगे। इसी तरह से ए इज द ग्रैंड डॉटर और बी, ए ग्रैंड डॉटर है, तो ये क्या हो गया माइनस। इसके मदर फादर इसके ऊपर, और इसके मदर फादर इसके ऊपर, इसमें कौन बैठेगा, बी। क्लियर है, यस और नो, ए बी की ग्रैंड डॉटर है, तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, तो ए नीचे हो गया, इसके मदर फादर ऊपर, फिर इसके मदर फादर ऊपर, वहां बी, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसको नहीं डालेंगे। तो ये था कुछ हमारा जो हम जनरेशन गैप का डायग्राम, जब हम डायग्राम बनाएंगे बस इसी से सभी क्वेश्चन डायग्राम बनने लगेंगे। ये बेसिक बातें पता होना चाहिए, और फिर जो टाइम टू टाइम जो हमें सीखना है, ट्रिक सीखना है, किस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे देखना है, ये सब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले हम कोडेड रिलेशनशिप, सबसे पहले कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन बनाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे बैंकिंग के एग्जाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, डिफेंस के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन, एसएससी में भी क्वेश्चन, रेलवे में भी क्वेश्चन, एफसीआर के एग्जाम में क्वेश्चन, जहां भी जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देते हैं कोडेड रिलेशनशिप। यदि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, काफी क्वेश्चन बना लेते हैं, तो फिर इधर जो हमारा दोनों चीजें सेम ही है, ब्लड रिलेशन और कोड, इसमें बस कोड रहता है, इसमें कोडिंग नहीं रहता, ये बस लैंग्वेज में रहता है, तो फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन खुद ब खुद सारे बनने लगे। फिर एक टाइप आता है कि फोटो की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि वो मेरी मौसी की, ये इस तरह के क्वेश्चन है, तो उस पर हम अलग से बतलाएंगे ट्रिक कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाए 10 से 15 सेकंड के। फिलहाल पहले हम कोडेड रिलेशनशिप से क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं, तो लिखिए इंस्ट्रक्शन, लिखिए P plus Q means P is the father of Q. P plus Q means P is the father of Q. हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूं, आप भी लिखते चलिए। P plus Q का मतलब है कि P Q का पिता है, P plus Q का मतलब है P Q का पिता है। P minus Q means P is the mother of Q. P minus Q means P is the mother of Q. P minus Q का मतलब है कि P Q की माता है, P Q की माता है। P into Q means P is the brother of Q. P into Q means P is the brother of Q.
पी इंटू क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है। पी डिवाइडेड बाई क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। पी डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब कि पी क्यू की बहन है। पी डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब पी क्यू की बहन है। पी हैज क्यू मीन्स पी हैज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी क्यू की बेटी है। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी स्टार क्यू मीन्स पी स्टार क्यू मीन्स पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्यू का बेटा है। पी स्टार क्यू मीन्स पी क्यू का बेटा है। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लीजिएगा। पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू के पिता है। पी माइनस क्यू मीन्स पी क्यू की माता है। P into Q means P Q का भाई है। P divided by Q means P Q की सिस्टर है। P has Q means P Q के डॉक्टर है, बेटी है। P star Q means P Q का बेटा है। अब ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जाम में भी रहता है। अभी तक का जो एग्जाम है SSC का, बैंक का, सभी एग्जाम में आप देखेंगे चार इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। चार से ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। इसी चार इंस्ट्रक्शन के एक बार में 5 क्वेश्चन का भी सेट आ सकता है, 3 क्वेश्चन का सेट आ सकता है। और छोटे छोटे एग्जाम में जैसे रेलवे का एग्जाम है या MTS का एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, ये सब एग्जाम में तो 3-3 आएंगे इंस्ट्रक्शन, वही बहुत है। 3 इंस्ट्रक्शन बहुत है। कभी कभी तो 2 इंस्ट्रक्शन पे ही कुछ छोटा सा पूछ देगा आपको क्वेश्चन, सिंपल सा 3 इंस्ट्रक्शन पे पूछेगा। बैंक पीओ में जो अभी तक पूछा है वो 4 इंस्ट्रक्शन पे पूछा है। प्रीवियस पेपर जाकर के पलटिएगा, 6 इंस्ट्रक्शन पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो 6 इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, 0 से लेकर के अप लेवल तक काम कर लेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ, हर क्लास वीडियो क्लास में कहता हूँ, आप अपना रेंज बड़ा कीजिए। आप अपना रेंज बड़ा करेंगे, एग्जाम का रेंज छोटा खुद ब खुद। आप उसके पीछे मत भागिए। आप हर टॉपिक पे, चाहे आप मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, हर कंटेंट पे आप ये देखिए कि मेरा रेंज कहाँ है। अपना रेंज बड़ा कीजिए, उसके सिलेबस की जानकारी रखिए, अच्छा से जानकारी रखिए, एग्जाम्स में क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हर चीज से अपडेट रहिए और अपने रेंज को धीरे धीरे बढ़ाते चलिए, बाकी काम खुद हो जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन How is A related to F in the given expression? हिंदी मीडियम वाले लिखिए। दिए गए अभिव्यक्ति में how is A related to F in the given expression? दिए गए अभिव्यक्ति में A F से किस प्रकार संबंधित है? दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन? दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी स्टार ई हैज एफ। इस तरह से क्वेश्चंस हैं आपके पास कि a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी स्टार ई हैज f। और क्वेश्चन है कि हाउ इज a रिलेटेड टू f इन द गिवन एक्सप्रेशन, कि दिए गए अभिव्यक्ति में a f से किस प्रकार संबंधित। आराम से हम डायग्राम बनाना पहले सीखेंगे, उसके बाद जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे a प्लस बी आपके पास इंस्ट्रक्शन होगा, आप ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्शन पे, इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे।
उसमें था कि पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, यस और नो। यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है। हमें जैसा कोड इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वैसे ही क्वेश्चन पे सेटअप करना, वो कुछ भी हो सकता है, उस पे डिपेंड करता है। P प्लस क्यू का मतलब पिता है, ऐसा भी कह सकता है P प्लस क्यू का मतलब माता है, P प्लस क्यू का मतलब बहन है, तो आपको प्लस का कोड बहन ही रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये याद करने की चीज नहीं है कि आप समझेंगे कि मैं इसे याद कर लूं। काफी बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में यदि कुछ और आ गया, ऐसे नहीं होता। आप एग्जाम में जो भी कोड आएंगे, जो भी कोड आएंगे उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए प्लस कर दें और बी कहां आ जाएगा, नीचे। मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे। बी इंटू सी, आप इंस्ट्रक्शन देखिए, बी इंटू सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी सी का भाई है। क्यों, क्योंकि वहां पे था कि पी इंटू क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या है B into C, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा B C का भाई है, तो B को प्लस कर दे, B भाई है, B क्लियर हो गया। C पैरेलल लाइन, पैरेलल पैरेलल बैठेगा, भाई बहन पैरेलल बैठेगा मतलब, और सिंगल लाइन, तो B C का भाई है, सिंगल लाइन और C, C डिवाइडेड बाय D, आप देखिए इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंगली C डिवाइडेड बाय D का मतलब C D की बहन है, क्योंकि वहां पे क्या था P divided by Q means P Q की बहन है, P is the sister of Q, that's why C divided by D means C D की बहन है, तो C को माइनस कर दे, C बहन है तो, और सिंगल लाइन D, भाई बहन का संबंध, बराबरी का संबंध, भाई बहन में सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ में डबल लाइन, हमेशा याद रखिएगा ऐसे। D star E, D star E का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें था P star Q का मतलब P Q का बेटा है, P is the son of Q, तो आपका D star E का मतलब क्या हो जाएगा, D E का बेटा है, तो D plus हो गया, D क्या हो गया, plus हो गया, और ये बेटा है तो E किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, yes or no, mother father हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे। अब E has F, E has F का मतलब क्या हो जाएगा, E F की बेटी है, P has Q का मतलब क्या था, P Q की बेटी है, तो E has F का मतलब हो जाएगा E F की बेटी है, E बेटी है, माइनस कर दें, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, हमेशा याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखिएगा, जितनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा, पकड़ के संभाल के रखिएगा, आप उतने ही बड़े बड़े काम कर पाएंगे। तो E क्या हो गया, माइनस, और एफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये सब भाई बहन है, पैरेलल है, सिंगल लाइन है, तो भाई बहन, ये इसके फादर है, ये इसके मदर है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, तभी तो ये इतने सारे हो, ये सब लो। अब हमें क्या देखना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन, यानी दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार, यहाँ लोग फंस जाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, अब कभी ए के बारे में देने लगेंगे जवाब, एफ के बारे में देने लगेंगे, कभी कुछ, ऐसे नहीं करते। आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, से आज जो क्लू बता रहा हूँ इस क्लू से हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम करता हूँ, और इंग्लिश मीडियम वाले तो ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम वाले जो है वो से दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, कभी भी क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए अभिव्यक्ति में सीता और रमेश से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज सीता रिलेटेड टू रमेश इन द गिवन एक्सप्रेशन, हाउ इज ए रिलेटेड टू, इसके बगैर सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले से और इंग्लिश मीडियम वाले टू, जिसमें से लगा है या जिसमें टू लगा है वो आपको बनना है, यानी अब हमें रिलेशनशिप उसका नहीं ढूंढना है, किसी क्वेश्चंस का नहीं ढूंढना है, हम लोग तीन जनरेशन को खूब बढ़िया से जीते हैं, और एग्जाम में जनरली तीन जनरेशन से ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी फोर्थ जनरेशन से क्वेश्चन आता है, तो हमें क्या करना है, उस रिलेशनशिप का जो डायग्राम होगा उसमें खुद ही चले जाना है, कैसे जाना है, तो जिसमें से लगा है या जिसमें टू लगा है वो कौन बनेगा, आप बनोगे। जैसे ही ये क्लियर हो गया तो आपके बारे में अभी एसएससी मैम कोई नहीं पूछ रहा है, जब तक प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई नहीं पूछेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कौन बचा, ए बचा,
मैंने क्या कहा जिसमें टू लगा है, एक क्वेश्चन समझना महत्वपूर्ण होता है, एक क्वेश्चन अच्छा से समझेंगे 10 क्वेश्चन अच्छा से बनाएंगे। इसमें टू लगा हुआ है, इसमें से लगा हुआ है, तो ये कौन बनेगा? आप बनोगे, यानी आप क्या बनोगे? एफ। जैसे ही ये क्लियर हो गया तो जाना कहाँ है, किसके बारे में पूछ रहा है? ए के बारे में, दो ही रहेगा, एक आप बन जाओगे तो उसके बारे में जानना है। तो मैंने क्या कहा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन, जिसमें टू लगा है, जिसमें से लगा है, दिए गए अभिव्यक्ति में ए किस प्रकार, ए से किस प्रकार संबंधित है, वो आप बन जाओ और बाकी तक पहुंच जाओ, तो ये आप हो। अब आपका जेंडर क्लियर नहीं है, क्या कर सकते, कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि आपके बारे में तो पूछ नहीं रहा है। आपको जाना कहां तक है? ए तक। ये कौन है? आप बेटी। यस और नो? यदि ये आप है तो ये आपका कौन है? बेटी। और बेटी का ये कौन है? हस्बैंड। यही तक जाना है ना, बेटी का ये कौन है? हस्बैंड। तो बेटी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? दामाद जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड पोस्ट इन इंडिया। नहीं सनी लो, इंग्लिश में, हिंदी में ये कहेंगे नहीं, तो आसानी से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट। ए स्टार बी डिवाइडेड बाय सी हैज डी प्लस ई स्टार एफ। अब देखिए, ए स्टार बी, पी स्टार क्यू का मतलब क्या था? पी क्यू का बेटा है, पी द सन ऑफ क्यू, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए बी का बेटा है, तो ए प्लस हो गया और बी कहां से रह जाएगा? ऊपर। मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। बी डिवाइडेड बाय सी, पी डिवाइडेड बाय क्यू का मतलब क्या था? पी सी की बहन है, नहीं पी क्यू की बहन है, तो बी डिवाइडेड बाय सी, तो बी सी की बहन है, सिस्टर हो जाएगा, तो बी माइनस कर दें और सिस्टर है तो सी को सिंगल लाइन डाल के आगे बढ़ा दिए, भाई बहन सिंगल लाइन पैरेलल। सी हैज डी, पी हैज क्यू का मतलब था पी क्यू की बेटी है, तो सी हैज डी का मतलब सी डी की बेटी है, सी बेटी है, सी को माइनस कर दें, डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। डी प्लस ई, पी प्लस क्यू का मतलब था पी क्यू का पिता है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो डी प्लस ई का मतलब क्या हो जाएगा? डी ई का पिता है, तो डी को प्लस कर दें, अब ई नीचे आएगा उसके, तो इधर भी बिठा सकते हैं, इधर भी बिठा सकते, ये सभी इसके नीचे वाले जनरेशन है, ई को यहाँ पे बिठा दिए। ई स्टार एफ, पी स्टार क्यू का मतलब था पी क्यू का बेटा है, पी स्टार क्यू का मतलब था पी क्यू का बेटा है, तो ई स्टार एफ का मतलब क्या हो जाएगा? ई एफ का बेटा है, ई को प्लस कर दें और एफ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये सब आपस में कौन है? भाई बहन, जैसी पैरेलल लाइन में मेरे भाई दो ही, या तो भाई बहन होगा या हस्बैंड वाइफ होगा, भाई बहन में सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ में डबल लाइन, तो ये सब भाई बहन है, इसका ऊपर जनरेशन ये फादर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? मदर होगा, ऑब्वियसली ये मदर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। फिर हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तुम्हें क्या बनना है? कहां तक जाना है? ए तक। ये तुम हो, जाना कहाँ है? यहाँ तक। ये कौन है तुम्हारा? बेटा। बेटा का ये बहन, तो बेटी, डायरेक्ट यहां से यहाँ आ गए क्योंकि पैरेलल है, बेटी। और बेटी का बेटा क्या होता है? ग्रैंडसन। तो जब आप खुद इसमें आ जाओगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।